दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट या और एक डेटा साइंटिस्ट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, एक डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, एक डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है। तो हमारे क्लासेस में मैं आप देखे होंगे कि मैं बहुत बार डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिकल्स या डेटा साइंटिस्ट का कीवर्ड का यूज करते रहता हूँ डेटा साइंस के क्लासेस में। तो डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट आता क्यों है? तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, तो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, एक डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें, जो सैटरडे संडे को डेटा साइंटिस्ट के क्लासेस चल रहा है और मंडे टू फ्राइडे स्क्वेल क्लासेस चल रहा है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, एक डेटा को साइंटिस्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी डेटा पे रिसर्च करना, और एनालिस्ट का मीनिंग होता है कोई भी डेटा को एनालाइज करना, मीन्स डेटा क्या कर रहा है। तो डेटा साइंटिस्ट का जो टॉप होता है, आप बोल सकते हैं डेटा एनालिस्ट एक छोटा भाई है तो डेटा साइंटिस्ट एक बड़ा भाई है। तो जब भी डेटा कहीं भी डेटा इन द फॉर्म रहता है, जैसे कि CSV फॉर्मेट रहता है, RDBMS में रहता है, बिग डेटा में रहता है, और कहीं से भी डेटा जेनरेट होता है, वहां से डेटा रिट्रीव करने के बाद डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसमें पाइथन या कोई भी एनालिटिकल टूल यूज करके उसको अनवांटेड डेटा को हटा के मीनिंगफुल डेटा बनाता है और उसको रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेक होल्डर के पास। तो डेटा एनालिस्ट का काम यहाँ तक खत्म हो जाता है, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट को उसको एनालाइज करके उसको स्टेक होल्डर को दे देता है, तो वहां तक काम खत्म होता है। बट डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, डेटा एनालिस्ट के टॉप में होते हैं। तो टॉप में इन द मेन डेटा एनालिस्ट का काम जहां पे खत्म हो जाता है, वहां से डेटा साइंटिस्ट का स्टॉक काम वर्क होता है। वो एनालाइज को डेटा को एनालाइज को बेस ऑन एनालाइज को वो क्या करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे क्रिएट करते हैं या कोई भी AI पे है। तो बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी पे उस डेटा को यूटिलाइज करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वहां पे डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और डेटा साइंटिस्ट का आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेटा एनालिस्ट से आप जॉब शुरुआत कर सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट से प्रमोशन के बाद आप डेटा साइंस साइंटिस्ट बन सकते हैं डेटा एनालिस्ट के बाद। तो डेटा साइंटिस्ट को बेसिकली मशीन लर्निंग और दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बट एक डेटा एनालिस्ट को ओनली पाइथन का नॉलेज होना जरूरी है। उसको यदि आपको मशीन लर्निंग या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग या कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आता है, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करने के बाद आपको जो डेटा साइंस का जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। तो होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।